ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बायोफ्यूल के बारे में, अगला हमारा टॉपिक क्या है, बायोफ्यूल। बायोफ्यूल आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बायोफ्यूल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसका इसमें क्यों महत्वपूर्ण है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बायोफ्यूल के बारे में देखेंगे। ठीक है, बायोफ्यूल में हम लोगों ने क्या, बायोफ्यूल को पेट्रोल और डीजल के साथ मिक्स करने का एक प्रोग्राम हमने EBP एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आरंभ किया था। ठीक है, 2001 में इसी से संबंधित एक लक्ष्य रखा गया था 2030 तक के लिए। ठीक है, 2030 तक के लिए क्या लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक हम लोगों को एथेनॉल मिक्स करने का जो प्रोग्राम है ना, एथेनॉल मिक्स करना था किसमें, पेट्रोल व डीजल में, कितना परसेंट, 20% एथेनॉल मिक्स करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था 2030 तक। इस लक्ष्य में अब परिवर्तन किया गया है। इस लक्ष्य में क्या परिवर्तन किया गया है कि अब यह लक्ष्य 2030 की जगह में 2025-26 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब एथेनॉल ब्लेंडिंग है ना प्रोग्राम में एथेनॉल मिक्स करने का जो लक्ष्य रखा गया था उसको 2030 तक का जो लक्ष्य था उसको परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, 2025-26 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, अब लक्ष्य 2025-26 का है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन है बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल क्या है देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बायोफ्यूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एक बेसिक इन्वायरमेंट की चीजों को समझते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्वायरमेंट में सूर्य प्रकाश आया है ना, सूर्य प्रकाश किसको मिलता है, सूर्य प्रकाश मिलता है पेड़ पौधों को, प्लांट्स को। ठीक है, पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, और वो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज या बनाते हैं अपना जैव भार। ठीक है, यानी कि जो ऊर्जा है प्रकाश ऊर्जा वो परिवर्तित होती है बायोमास में, यानी कि जैव भार में। ठीक है, और ये जैव भार इसमें भी क्या है, एनर्जी। ठीक है, ये जैव भार ही किसमें परिवर्तित होता है, ये जैव भार परिवर्तित होता है बायोफ्यूल में। ठीक है दोस्तों, ये जैव भार किसमें परिवर्तित हो रहा है, बायोफ्यूल में। यहां क्या हुआ एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, सूर्य प्रकाश को किसने अवशोषित किया, पेड़ पौधों ने अवशोषित किया। ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से फूड बनाते हैं अपने लिए प्लस दूसरों के लिए। वो किसके रूप में संचित होता है, वो जैव भार के रूप में संचित होता है, और यह जैव भार, यही जैव भार किसमें परिवर्तित होता है, बायोफ्यूल में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बायोफ्यूल का बेसिक। ठीक है, इसी बायोफ्यूल में हम लोग क्या देखते हैं, एथेनॉल। ठीक है, इसी में एथेनॉल को भी बायोफ्यूल के रूप में लिया जाता है, और एथेनॉल को हम लोग एल्कोहल के रूप में भी यूज करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है कि एथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स किया जाता है उसका उपयोग किस लिए किया जा सकता है, या और किस लिए उपयोग किया जाता है, तो उसे एल्कोहल के रूप में भी इंसान उसको एब्जॉर्ब मतलब लेते हैं, या एल्कोहल के रूप में भी उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो एथेनॉल है उसका निर्माण कैसे होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहां पर जो जैव भार है इसी का उपयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, बायोफ्यूल या एथेनॉल बनाते हैं। अब ये बनता कैसे है, ठीक है, इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं इसको देख लेते हैं। इससे रिलेटेड चार हमने इसको विभाजित किया है, चार जनरेशन। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल में इंटरनेट से रिलेटेड जनरेशन होता है ना, 2G 3G 4G, अब आ गया 5G है ना, वैसे ही एथेनॉल निर्माण के लिए भी जनरेशन है 1G 2G 3G 4G। हम लोगों ने चार जनरेशन में इसको विभाजित किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में क्या होता है, पहली पीढ़ी का बायोफ्यूल डेवलपमेंट खाद्य पदार्थों पर के माध्यम से बनता है, खाद्य पदार्थ। ठीक है, खाद्य पदार्थ का उपयोग करके हम लोग क्या बना रहे हैं, बायोफ्यूल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये खाद्य पदार्थ में क्या होता है जिससे ये बायोफ्यूल बनता है, खाद्य पदार्थ में होता है स्टार्च और शर्करा। ठीक है, स्टार्च और शर्करा होता है खाद्य पदार्थों में, जैसे कि आप लोग कॉर्न खाते होंगे जिसको हिंदी में भुट्टा कहते हैं, है ना, कॉर्न मैं भी खाता हूं आप भी खाते होंगे, उसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में स्टार्च होता है। ऐसे ही और क्या है, गन्ना, गन्ने का उपयोग करके ये प्रथम पीढ़ी का फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल बनाया जाता है। गन्ने में क्या होता है, गन्ने में बहुत सारा शर्करा होता है। ठीक है, और गन्ने के अपशिष्ट का भी उपयोग करके क्या बनाया जाता है, बायोफ्यूल बनाया जाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में भी स्टार्च और शर्करा होता है जिसका उपयोग करके बायोफ्यूल बना। तो
आपको प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है, अगर खाद्य पदार्थ का उपयोग करके बायोफ्यूल बनाया जा रहा है तो वो कौन सी पीढ़ी में आएगा? फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल कहलाएगा। ठीक है, ये बायोफ्यूल के निर्माण करने का प्रथम तरीका है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं इसकी दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, जब प्रथम पीढ़ी में क्या हो रहा है, खाद्य पदार्थों का उपयोग करके बायोफ्यूल बना रहा है, बनाया जा रहा है, दूसरी पीढ़ी में क्या होगा? दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है? कृषि के अवशेष, कृषि के बाद प्राप्त होने वाले अवशिष्ट, ठीक है, लकड़ी आदि की बुरादे। ठीक है, यानी कि यहां पर खाद्य पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा रहा है, खाद्य पदार्थ का उपयोग न करके जब कोई चीज बनाया जा रहा हो, यानी कि बायोफ्यूल बनाया जा रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फसलों के अवशिष्ट इन सब का उपयोग करके जब बायोफ्यूल बनाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या उपयोग, क्या नहीं उपयोग हो रहा है? खाद्य पदार्थ का उपयोग नहीं हो रहा है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये हो गया खाद्य सेकंड जनरेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या होता है? थर्ड जनरेशन हम लोग अभी सेकंड पढ़े हैं, अब आ जाते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन में क्या होता है दोस्तों? थर्ड जनरेशन में होता है जब हम लोग सवालों का उपयोग करके, यानी कि एलगाई का उपयोग करके बायोफ्यूल बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल कहते हैं, सवालों का उपयोग करके। ध्यान में रखिएगा, सवाल एलगाई का उपयोग करके जब हम लोग क्या बना रहे हैं? बायोफ्यूल बना रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फोर्थ जनरेशन को देखते हैं। फोर्थ जनरेशन का बायोफ्यूल, फोर्थ जनरेशन में क्या होता है दोस्तों? फोर्थ जनरेशन में होता है इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों या अनुवांशिक रूप से जेनेटिकली इंजीनियर्ड पदार्थों का या प्लांट का उपयोग करके जब बायोफ्यूल बनाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थ पीढ़ी, यानी कि फोर्थ जनरेशन, 4G समझ लीजिए इसको, है ना, फोर्थ जनरेशन का बायोफ्यूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बायोफ्यूल आप लोगों सभी को समझ में आ गया। सबसे पहले बायोफ्यूल का एक बेसिक है, सूर्य प्रकाश का उपयोग करके प्लांट जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं और बायोमास बनाते हैं, उस बायोमास से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? बायोफ्यूल प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे एथेनॉल। ठीक है दोस्तों, तो एथेनॉल के बारे में एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये क्या है? जिसे हम लोग एल्कोहल के रूप में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये हो गया हमारा बायोफ्यूल के बारे में। ठीक है, और बायोफ्यूल का एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने 2025-26 तक 90% एथेनॉल मिक्सर का प्रोग्राम निर्धारित किया है। ठीक है, इसी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले 2001 में मैंने बताया था टॉपिक के स्टार्टिंग में कि 2001 में हमने क्या किया था? एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चालू किया था। ठीक है, इसमें सबसे पहले 5% एथेनॉल मिश्रित किया जाता था। ठीक है, अब 2014 में इसी में आगे बढ़े और हम लोगों ने इसको और आगे बढ़ाया है ना, एथेनॉल मिक्सर को। और 2018 में जो है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, ठीक है, नेशनल बायोफ्यूल प्रोग्राम पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 लॉन्च किया गया था, उसी में वो लक्ष्य रखा गया था पहले वाला, अब उसमें परिवर्तन किया गया है, इसी में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके क्या किया गया है, 20% एथेनॉल मिक्सर का जो लक्ष्य रखा गया है ना, वो इसी में संशोधन करके रखा गया है, और इसको अब 2025-26 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, इसी में ही संशोधन किया गया है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में। ठीक है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को भी देख लेते हैं। ठीक, इसको 2018 में बनाया गया और इसका कार्यान्वयन या इसने काम करने का चालू किया 2020 में। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन कौन से बायोफ्यूल में, इसमें ईंधन कौन कौन से शामिल हैं, तो इसमें बायो एथेनॉल शामिल है, बायोडीजल और बायो सीएनजी, बायो एथेनॉल, बायोडीजल और बायो सीएनजी शामिल है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें एक कमिटी बनाई गई है ना, इस कमिटी में अध्यक्ष होते हैं और इसमें बहुत सारे प्रतिनिधि जो होते हैं उसको देख लेते हैं, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? पेट्रोलियम मंत्रालय और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री होते हैं। ठीक है, इस समिति के या इस कमिटी के अध्यक्ष, ठीक है, ईंधन समन्वय समिति कहते हैं इस समिति को, क्या कहते हैं? नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी NBCC, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के 14 विभाग जो हैं भी इसमें शामिल होते हैं, उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इस कमिटी में, ठीक है दोस्तों, इसमें बायोफ्यूल से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं कि किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना है ना, खाद्य पदार्थों को उपयोग ना हो इसके बारे में नीति बनाना आदि इसमें लिया जाता है, आदि निर्णय इसमें लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे।